नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर रीजनिंग का एक प्रश्न। तो यहाँ पर रीजनिंग में ये देखिए 12, 123, 25 ये हमारा आज का प्रश्न है। और यहाँ पर ऑप्शन है 16, 129, 30, 16, 117, 25 और 8, 77, 15, 8, 121 और 35। तो हम इस प्रश्न को यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, ठीक है। और जो भी इसमें जो अंतर होगा, जो इसमें अंतर होगा, वही अंतर अगर इन सब किसी ऑप्शन में यहाँ पर हमें दिखाई देता है तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं 12, 123, 25। तो 12, 123 और यहाँ पर 25 हम इस तरह से लिख लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किसका अंतर है। तो यहाँ पर देखिए 12 लिखा हुआ है, 123 लिखा हुआ है और 25 लिखा हुआ है। तो देखिए 12 और 25 को अगर हम जोड़ दें, हमें 123 अगर हम देखें यहाँ पर लाना है, तो 12 और 25 को अगर हम जोड़ दें, देखिए 12 प्लस 25, तो 12 और 25 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 37 लिखा हुआ है तो 37 को हम 123 से मिलाना है। तो हम क्या करें कि यहाँ पर 123 आ जाए, 37 का गुणा कितनी बार करें। तो अगर हम देखें तो 37 का गुणा मैं यहाँ पर 4 बार करता हूँ, ठीक है। 37 का गुणा अगर मैं यहाँ पर 4 बार करता हूँ तो यहाँ पर कितना आने वाला है, 148 आने वाला है, ठीक है। हमें तो चाहिए 123 चाहिए, तो हम कैसे यहाँ पर 123 लाएँ। तो 148 में से यहाँ पर हम यहाँ पर इस 25 को, इस वाले 25 को हम यहाँ पर घटा देंगे। तो इस 25 को अगर हम घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 123। यहाँ पर हमें 123 मिल गया। उसी प्रकार अब हमें इन सारे ऑप्शन में देखना है कि हमें इन दोनों को जोड़कर, फिर इसका गुणा करके, फिर इसमें से इसको घटाकर हमें क्या ये वाला बीच वाला ऑप्शन मिलता है या नहीं, तो हमें ये चेक करना है। तो चलिए हम देखते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिलता है या नहीं, ठीक है। तो हम सबसे पहले पहला ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 16, 129 और 30, इसे मैंने लिख लिया। अब देखते हैं 16 और 129 और 30, ठीक है। तो सबसे पहले हम 16 और इस 30 को हम जोड़ देते हैं जैसा हमने इसमें किया था, उसी प्रकार हम इस वाले यहाँ पर ऑप्शन में करेंगे। तो हमें सेम टू सेम इसमें जो किया था हमने वैसा ही कर देना है, ठीक है। हमें इनको इनको जोड़ लेना है, फिर उसके बाद इनका जो जोड़ आता है उसे हमें से 4 से गुणा कर देना है, उसके बाद हमें यहाँ पर इस संख्या से घटा देना है, ठीक है, यहाँ पे जो भी संख्या होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर 16 और 30 को जोड़ लेते हैं, 16 और प्लस 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 46 यानी 46 हो जाएगा, ठीक है। अब 46 यहाँ पर आया, हमने यहाँ पर गुणा 4 किया था, तो यहाँ पर भी 46 गुणा 4 कर देंगे। तो 46 गुणा 4 यहाँ पर कितना आने वाला है, 184, और 184 यहाँ पर आया, माइनस यहाँ पर हमें इस 30 को घटा देना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 184 माइनस 30 घटाएं तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 154, ठीक है। हमें तो चाहिए 129, तो ये ऑप्शन यहाँ पर, इसका आंसर यहाँ पर 129 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें तो बीच वाला ऑप्शन चाहिए, बीच वाला ऑप्शन आना चाहिए आंसर में, तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यानी ये आंसर हमारा रॉन्ग आंसर, ठीक है। चलते हैं हम दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन हमारा 16, 117, 25। तो इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे सही आंसर आता है या नहीं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है 16, 117 और 25। तो यहाँ पर क्या हमारा ये करेक्ट आंसर आने वाला है, तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 16, 117, 16 और 25 को पहले हम जोड़ देंगे, तो 16 और 25 को हमें जोड़ना होगा जैसा हमने यहाँ पर किया। तो 25 में 16 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आने वाला है, 41 आने वाला है, ठीक है। 16 और 25 को अगर हम जोड़ दें तो 41 आता है। 41 का गुणा हम 4 से कर दें,
चार एकम चार, जैसा हमने यहाँ किया वैसा सेम टू सेम हमें यहाँ पर करना है। चार एकम चार और यहाँ पर 16, यहाँ पर 164 आया। 164 माइनस हमें इस 25 को घटा देना है, 164 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है 139 आने वाला है। ठीक है, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर होगा क्योंकि हमें तो 117 चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 25 घटाने पर 139 आ रहा, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर होने वाला है। चलिए अब हम तीसरे ऑप्शन पर देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है 8, 77, 15। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं 8, 77, 15। इसको भी हम इसी विधि से करेंगे, 8 प्लस 15, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे तो 8 प्लस 15 कितना आने वाला है, 23 आने वाला है। ठीक है, अब 23 × 4 कर देंगे, 23 × 4 कितना आएगा, 23 × 4 यहाँ पर 92 आने वाला है। ठीक है, अब 92 में हम इस 15 को घटा देंगे, तो 15 को घटा देंगे तो कितना आने वाला है, यहाँ पर 77 आने वाला है। तो हमें क्या बीच की संख्या मिल गई, ये देखिए हमें बीच की संख्या मिल गई, यहाँ पर 77 आ रहा है, यहाँ पर भी 77 आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा ये जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आंसर यही हमारा करेक्ट होगा, ये देखिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अब हमें क्योंकि चौथा ऑप्शन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है, तो हमें चौथा ऑप्शन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, चौथे ऑप्शन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है 8, 121 और यहाँ पर 35। तो 8 और 35 को हम पहले जोड़ लेंगे, 8 और 35 ये 43 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब 43 × 4 कर देंगे, 4 × 12 यहाँ पर 172 आने वाला है, 172 माइनस में यहाँ पर 35 कर देंगे, यहाँ पर 172 में 35 घटा दें तो यहाँ पर कितना आने वाला है, 172 में अगर हम 35 घटाते हैं तो यहाँ पर घटा लीजिए कितना आ रहा है, 172 में 35 घटाने पर तो यहाँ पर हमें घटाने पर 138 हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो 138 हमें तो 121 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, सही ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन होने वाला है ये वाला, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही आंसर होने वाला है। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू।